मेरे बहनों और भाइयों, आजकल कांग्रेस जैसी पार्टी को किसान याद आ रहे हैं। आज घड़ियाल राशि बाहर जा रहे हैं, मोदी जी को गालियां दी जा रही है, किसान हितों की चर्चा की जा रही है। कल कमलनाथ जी ने कही कहा कि शिवराज किसान पुत्र है, अरे किसान पुत्र नहीं, हम खुद ही किसान है भाई, और बोले किसानों के विरोध में चौपाल लगा रहे। मारे कमलनाथ, हम किसान विरोधी और तुम किसान मित्र। अरे झूठे भैया, दादा कष्ट तो शर्म करो। सरेआम ने कहा था, मालवा की इस पवित्र धरती पर कहा था कि सभी किसानों का कर्जा माफ करेंगे। गिन गिन के कहा था, अकेले ने नहीं, इनके नेता ने भी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सबका माफ करेंगे कर्जा। हालत ये हो गई कि डिफॉल्टर रेगुलर डिफॉल्टर कर दिए, अब ब्याज से परेशान है। ए, हमको किसान विरोधी कहने वाले कमलनाथ और राहुल गांधी, तुमने ब्याज की गठरी किसान के सर पर रखी है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ये कह रहा है ब्याज की गठरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के सिर से उतारेगी। तुम किसानों की बात कर रहे हो, कदम कदम पर धोखा देने वाले मेरे मंत्रिमंडल के साथ ही बैठे हैं। हमको कोरोना काल में बने व्यवस्थाएं कुछ बनी नहीं थी, फाइलें हमने झाड़ पहुंच के देखी तो पता चला कमलनाथ दादा 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना का प्रीमियम ही खा गए। सरे हम कह रहा हूं महाकाल महाराज के नेतृत्व, 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना का प्रीमियम दादा ने जमा किया ही नहीं, उसी 3100 करोड़ किसान को मिले नहीं। मुझे गर्व है कहते हुए, पहला फैसला हमने किया कोरोना की कड़की में 2200 करोड़ रुपया निकाल के फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा किया और 3100 करोड़ रुपया किसानों के खाते में भेजने का काम इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।